नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ हरे मटर की बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और जायकेदार पकोड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये जो पकोड़े हैं बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप बिना छिलका वाला मूंग दाल, साथ में 3 से 4 चम्मच चावल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगाने के लिए रखा था दोस्तों, और ये अच्छे से भीग चुका है। मैंने इसके सारे पानी निकाल लिया है। अब एक मिक्सी के जार लेंगे और हम इन दाल और चावल को मिक्सी के जार में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बस 1 से 2 चम्मच, छोटा चम्मच है ना, और इसे बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इस मिश्रण को एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए आपको इस तरीके से बारीक पीस लेना है। आप ना मूंग दाल की जगह चना दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। मूंग दाल के मिश्रण को साइड में रख देते हैं। मैंने यहाँ पर एक कटोरी हरा मटर लिया है, ये देखिए। फिर हम एक मिक्सी का जार लेंगे, मैंने वही सेम मिक्सी का जार ही इस्तेमाल कर लिया है दोस्तों। मटर को मिक्सी के जार में डालेंगे, 2 से 3 लहसुन, 1 इंच अदरक को काट कर डालेंगे और इन्हें दरदरा पीस लेते हैं। इसे पीसने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, है ना। फिर हम इसे जिस मिक्सिंग बाउल में मूंग दाल का पेस्ट रखे थे उसी में डाल लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, 1/2 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन को हाथों से अच्छे से कस करके डालेंगे। आप चाहो तो अजवाइन की जगह हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। बारीक काट कर थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, 1/2 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। इसका टेस्ट ना पकोड़े में बहुत अच्छा आता है। फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से, है ना। आप अगर चाहो तो चावल आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, लेकिन जो चावल डालकर आप इसे पीसेंगे ना, इसका टेस्ट अलग ही आता है। और ये देखिए इस तरीके से हमारा मिश्रण तैयार है। अब हम इसके पकौड़े बना लेते हैं। तेल मैंने पहले ही गरम करने रखा है दोस्तों, और फिर एक एक करके हम गरम तेल में पकोड़े डाल देते हैं। पकोड़े डालते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा। फिर हम इसे पकोड़े डालने के बाद मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, है ना। और इस प्रकार अलट पलट कर आप इसे बढ़िया गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई कर लीजिएगा। ये जो पकोड़े हैं ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों। ये देखिए पकोड़े को फ्राई करने में मुझे 8 से 10 मिनट लगा है और कितना प्यारा कलर आया है। अब हम पकोड़े को एक छन्नी की सहायता से निकाल लेते हैं इस तरीके से, और तेल को अच्छे से झड़ाते हुए एक प्लेट में रख देते हैं। ये देखिए, देखने से ही पता चल रहा होगा ना कितना क्रिस्पी पकौड़ा बना है। और इसी तरीके से हम सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारे हरे मटर के टेस्टी, क्रिस्पी, जायकेदार पकोड़े बनकर तैयार है। अभी ठंडी में तो हरे मटर का सीजन है, है ना। आप ये पकोड़े को बहुत आसानी से झटपट घर में बनाकर तैयार कर सकते हो। इसे आप अपने मनचाहे कोई भी चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़े का लगता है। तो आप भी बनाइए, खाइए और स्वस्थ रहिए। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।